नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है चौथा ऊष्मा। ऊष्मा के बारे में अपने इस चैप्टर में जानेंगे कि ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा किस प्रकार अपना प्रवाह करती है, गर्म से ठंडे की ओर या ठंडे से गर्म की ओर, ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, कौन कौन से इसके स्रोत हैं, इन सभी के बारे में अपने इसमें पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपने को इस चैप्टर में ज्ञान होगा। तो देखो कि अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि जो ऊनी वस्त्र हैं वो जांतव रेशों से बनाए जाते हैं। जो जांतव रेशे जो जंतुओं से प्राप्त रेशे हैं, जांतव रेशों का अर्थ क्या है, जो रेशे जंतुओं से हमें प्राप्त हुए हैं उन्हीं से ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि जो सूती वस्त्र हैं वो पादप रेशों से, जो पादपों से रेशे प्राप्त होते हैं उनसे क्या बनाए जाते हैं, सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। तो हम शीतकाल में कौन से वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र या सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र जो हमें गर्म रखते हैं। और जब मौसम गर्म होता है तब फिर हम क्या करते हैं, सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं जो हमें ठंड का अनुभव करवाते हैं। कि सर्दियों में हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, तो गर्म कपड़े कौन से होते हैं, ऊनी। और गर्मियों में हम क्या करते हैं, तो गर्मियों में हम ऐसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं जो हमें ठंडक प्रदान करें, तो ऐसे कपड़े कौन से हैं, सूती वस्त्र होते हैं। तो आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त हैं, क्योंकि जो भी ऋतु आती है, जो भी मौसम आता है, उसी के अनुसार हमें उन कपड़ों की आवश्यकता होती है। गर्मियों में हमें सूती कपड़ों की, सर्दियों में हमें ऊनी कपड़ों की, जो हमें गर्मी प्रदान करें। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं और यदि धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव होता है। ग्रीष्म काल में हम घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, तो हम उसको स्पर्श करके ज्ञात करते हैं या उसको देखकर हमें पता चलता है, या फिर अपने उसका टेम्परेचर चेक करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है। तो देखते हैं इसके लिए, देखो गर्म व ठंडा 4.1 है और इसके लिए क्रियाकलाप भी दे रखा है। इससे पहले एक सारणी देखो, सारणी दे रखी है कि कौन सी वस्तुएं गर्म है और कौन सी ठंडी है। तो आइसक्रीम कैसी होती है, ठंडी। चाय के प्याले में जो चाय रखी हुई है, चाय बनी हुई चाय है, तो वो एकदम से क्या होगी, एक बार गर्म होगी, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, अपनी ऊष्मा वायुमंडल में छोड़ देगी और फिर वो ठंडी हो जाएगी। फलों का रस ठंडा होगा। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हथी, तलने के लिए उपयुक्त, तो ये कैसी होगी, गर्म होगी। तो कुछ वस्तुएं अपने को देखने से, कुछ किसी को स्पर्श करने से या फिर किसी का टेम्परेचर याद करने से पता चल जाता है कि कुछ वस्तुएं गर्म है और कुछ ठंडी है। इसके लिए क्रियाकलाप दे रखा है 4.1, क्रियाकलाप दे रखा है 4.1। इसमें ये क्या कह रहा है कि आप 3 प्रकार के बर्तन लो, बर्तन ए बी सी। ए में क्या करो, ठंडा पानी, बी में गर्म पानी, और सी में क्या करो, ना ठंडा पानी हो ना गर्म पानी हो, मीडियम टाइप का पानी उसमें आप रख दो। एक हाथ क्या कह रहा है, खुद का, आप इस बर्तन ए में ठंडे पानी वाले में डालो। एक दूसरा जो हाथ है वो क्या करो, आप गर्म पानी वाले में डाल लो। दो कुछ टाइम के लिए हाथों को उनमें रखने के बाद आप क्या करोगे, उन हाथों को दोनों को इकट्ठे ही आप क्या करो, तीसरे बर्तन में डालो। तो तीसरे बर्तन का पानी अपने को पता है ना गर्म है ना ठंडा है, लेकिन फिर भी जो हाथ ठंडे पानी से आया, बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे पानी से आया है, उस हाथ को वो पानी क्या लगेगा, थोड़ा सा गर्म लगेगा, उसको क्या लगेगा, गर्म लगेगा। और जो हाथ गर्म पानी में था उस हाथ को वो पानी क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। पानी का टेम्परेचर अपने को पता है कि सेम है दोनों के लिए, एक ही पानी में जब हाथ डाला है, लेकिन एक हाथ को वो पानी गर्म लग रहा है, दूसरे हाथ को वही पानी ठंडा लग रहा है। तो अपने क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जो अपनी इंद्रियां हैं उनके द्वारा अपने को सही ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, वे हमें कभी कभी धोखा भी दे सकती है। हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर पाते कि हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं करते, यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। क्यों, अपने इस क्रियाकलाप के द्वारा पूरा सिद्ध किया है कि जो एक ही बर्तन में पानी है वो दोनों हाथों को अलग अलग महसूस हो रहा है, एक को ठंडा और दूसरे को गर्म, जबकि पानी का टेम्परेचर तो दोनों हाथों के लिए क्या है, समान ही है। तो इसीलिए हम स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। इसके बाद है ताप मापन। ताप मापने के लिए
क्या करते हो, कई बार आपको बुखार चढ़ता है, आपका शरीर आपको गर्म महसूस होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपके शरीर का ताप कैसे मापते हैं? वो एक ताप मापी के द्वारा आपके शरीर का ताप मापते हैं। उस ताप मापी को क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। उसको डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। उसी के द्वारा वो आपके शरीर का ताप मापते हैं। किसी थर्मामीटर को आप अपने हाथ में पकड़कर उसको आप ध्यान पूर्वक देखो, और यदि नहीं है तो आप किसी के पास या फिर डॉक्टर के पास जाते हो, तो उस समय उसको आप ध्यान से देखो, तो आप क्या देखते हो कि जो इसकी बनावट है वो किस प्रकार होती है? इस प्रकार होती है। इसके अगले हिस्से में क्या लगा होता है? एक बल्ब लगा होता है। उसके बाद का जो हिस्सा है थोड़ा इस प्रकार, और बाकी का जो हिस्सा है वो लगभग क्या होता है? एक समान होता है। बाद का हिस्सा सारा क्या होता है? एक समान होता है। तो इस तापमापी में क्या देखो कि इसमें दो प्रकार के पैमाने दे रखे हैं, कि इस तापमापी में दो प्रकार के पैमाने दे रखे हैं। देखो, ऊपर का जो पैमाना है वो दे रखा है डिग्री सेंटीग्रेड में, और नीचे का जो पैमाना है वो आपको दिखाई दे रहा है वह है फारेनहाइट में। ऊपर वाला है डिग्री सेंटीग्रेड में, उसकी जो प्रास है वो कितनी है? 35 से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो फारेनहाइट में है वो आपके सामने है, उसकी देखो 94 से लेकर 108 डिग्री फारेनहाइट। तो जो ऊपर की तरफ आपको थर्मामीटर पर जो पैमाना दिखाई दे रहा है, जहाँ अपने प्रयोग में जो पैमाना लेते हैं वो कौन सा है? सेल्सियस स्केल कहलाता है, उसे डिग्री सेंटीग्रेड द्वारा दर्शाते हैं। और जो दूसरा पैमाना है इसी स्केल का, तो उसका दूसरा जो मापक्रम है वो क्या है? फारेनहाइट में है, और इसका प्रेशर 94 से 108 डिग्री ही तक होता है। और इससे पहले प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल डिग्री सेंटीग्रेड वाले पैमाने का ही प्रयोग में किया जाता है। और इसको पढ़ने के लिए इसके जो बीच की जो लाइन है, आपको जिस पे पैमाने पर वो जाती है उसी के अकॉर्डिंग अपने को पता चलता है कि अपने शरीर का ताप इतना है। तो वह क्या है? वह पारे की बनी हो, वो पारा है जो बीच के जो है, वो किसकी लाइन है? वो पारे की लाइन होती है। इसके बाद देखो कि अपने दिन का तापमान उच्च है, दिन का ताप निम्न है, कई बार सर्वाधिक है या सामान्य है, तो ये सारा मापक्रम भी ताप मापी के द्वारा ही अपने माप पता चलता है। कि अपने अखबारों में भी पढ़ा है कि आज का तो दिन बहुत गर्म रहा, तो ये सब ताप मापी के द्वारा ही हमें पता चलता है कि कितना रहा और कितना गर्म है। तो इसके बाद देखो क्रियाकलाप दे रखा है 4.2, थर्मामीटर से ताप मापना, कि थर्मामीटर से ताप मापते हैं तो कैसे मापते हैं। इसके लिए कि आइए यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन्हीं दोनों चिन्हों के बीच की भागों की संख्या को नोट कीजिए। फिर मान लीजिए दो बड़े छिद्रों के बीच 1 डिग्री का अंतर है, तो इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं, तब एक छोटे भाग का मान कितना होगा? 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छे तरह से धो लेना चाहिए। धोने के लिए किसी पुतिरोधी या रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना चाहिए, और अपने हाथ में कस कर पकड़ कर इसे काफ़ी झटके देने चाहिए, ताकि जो पारे है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाए, वो 35 डिग्री से भी नीचे आ जाए। पहले ही यदि वो ऊपर है तो सही ताप है वो माप नहीं सकेंगे, तो उसको 2-3 झटके देने आवश्यक हैं, जिससे पारे का लेवल है वो वापिस अपनी पुनः जगह वापसी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाए। और ताप को सदैव इसके मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड के साथ ही व्यक्त करना चाहिए। मानव शरीर का जो सामान्य ताप है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। स्वस्थ जो मानव है उसके शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ ही व्यक्त किया जाता है। डिग्री सेंटीग्रेड के बिना अपने को पता नहीं चलेगा कि 37 क्या है। यदि लिखा हुआ है 37 तो अपने को पता नहीं चलेगा कि 37 क्या है, एक संख्या है या क्या दर्शा रखा है। और यदि 37 के साथ डिग्री सेंटीग्रेड लगा देंगे तो अपने आप पता चल जाता है कि यह ताप है। इसके बाद क्रियाकलाप दे रखा है 4.3 कि आप सभी के शरीर का जो ताप है वो नोट कर सकते हो। इसके बाद डॉक्टरी थर्मामीटर को उपयोग करने से पहले कुछ सावधानियां हैं, वो सावधानियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। कि उसको उपयोग करने से पहले सबसे पहले एंटीसेप्टिक घोल से धोना चाहिए। धोने के बाद उसको एक हाथ में सिरे से पकड़कर 2-3 बार झटके देने चाहिए, और
उसके बाद सुनिश्चित करना चाहिए कि जो पारे का लेवल है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ गया या नहीं आया तो वापस से उसको झटके दे सकते हो। इसके बाद थर्मामीटर को पढ़ते समय जो पारे का तल है वो अपनी आंखों के बिल्कुल सामने से पढ़ना चाहिए। यदि थोड़ा तिरछे से पढ़ते हैं तो अपने उसको सही रूप से नहीं पढ़ पाते। और थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। किसी कठोर वस्तु से यदि वह टकराएगा तो वह क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब वाली साइड से नहीं पकड़ना चाहिए, दूसरी साइड से हाथ में पकड़ना चाहिए। ये कुछ सावधानियां हैं। ये 4.2 का क्रियाकलाप था कि आप अपनी कक्षा के बच्चों के नाम लिख के उनके शरीर के ताप क्या थे उसको लिख सकते हो। और स्वस्थ जो मानव है उसके शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चेतावनी दे रखी है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी भी नहीं करना चाहिए। और थर्मामीटर को धूप या आग के पास नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसके अंदर पारा होता है और गर्म होने पर उसका प्रसार हो जाता है और वह टूट सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है, केवल इसी उद्देश्य से इसको बनाया गया है। और मानव शरीर का सामान्य तापमान 35 डिग्री से कम और 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का जो परिसर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद आती है प्रयोगशाला तापमापी। डॉक्टरी जो थर्मामीटर है उसका प्रयोग तो हम केवल मानव शरीर का तापमान मापने के लिए ही उपयोग कर सकते हैं, तो उसी को देखते हुए अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोगशाला के अन्य कामों के लिए एक अन्य प्रयोगशाला तापमापी बनाई गई है। और उसका परिसर क्या है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। जो थर्मामीटर डॉक्टरी थर्मामीटर है उसका परिसर 35 से 42 है और प्रयोगशाला तापमापी का परिसर क्या है, 10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसी प्रकार तापमापी के किसी भी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रयोजनों के लिए इसको बनाया गया है। मौसम की रिपोर्ट के लिए, अधिकतम न्यूनतम तापों की रिपोर्ट की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है कि जो 20 दिन का तापमान अधिकतम इतना है, न्यूनतम इतना है, आपने ये पढ़ा होगा। तो इसके लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, प्रयोगशाला तापमापी है। इसका परिसर क्या है, 10 से 110 तक है। प्रयोगशाला तापमापी पर एक क्रियाकलाप दे रखा है। इसके बाद कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा जल के माप की तुलना कीजिए और विभिन्न मापों की विभिन्नताएं, क्या आप जो पानी है उसको ठंडा रख के, गर्म रख के, थोड़ा और गर्म रख के, मतलब 3-4 टाइप से आप पानी का जो टेम्परेचर है वो ज्ञात कर सकते हो और सभी का अंतर ज्ञात कर सकते हो कि ठंडे पानी का जो ताप है उसका मान अलग होगा, गर्म पानी का अलग होगा और बीच वाले पानी है जहाँ ठंडा है ना गर्म है तो उसका ताप क्या होगा, अलग होगा। और तापमापी को जल में डुबोकर और इसको जो रखना चाहिए वो इसको बर्तन की दीवारों से स्पर्श ना करें, बिल्कुल बीच में सीधा इसको रखा होना चाहिए, तब इसका पाठ्यांक नोट कर सकते हैं। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय जो सावधानियां है कि तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना है। जैसे ये बर्तन है इसके साथ आप प्रयोगशाला तापमापी रखो, ऐसे तिरछी नहीं रखोगे, इसको बिल्कुल खड़ा सीधा रखना चाहिए। तापमापी का बल्ब है जो, जैसे तापमापी है आपने रखी यहाँ पे, तो इसका जो नीचे वाला भाग है बल्ब है वो उसके चारों तरफ वह पदार्थ होना चाहिए जिसका आप ताप माप रहे हो। यदि वह आप बिल्कुल ऊपर से है और उसके चारों तरफ वह पदार्थ है ही नहीं तो आप उसका ताप सही प्रकार से नोट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऊर्ध्वाधर होना चाहिए और उसके चारों तरफ वह पदार्थ होना चाहिए उसके बल्ब के जिसका आपको ताप मापना है। इसके बाद जो अगला भाग है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।